अच्छा, आज ये बेसिकली बेसल सेल कार्सिनोमा, ये कैंसर है स्किन का, यहाँ पे जो मौजूद है ये हमने इसको अभी हटाना है, इसको हम बेसल सेल कार्सिनोमा कहते हैं। ये लोकली इन्वेसिव ट्यूमर होता है, अगर इसको नहीं हटाएंगे तो पूरी नोज को ये ख़राब कर देगा, सुराख कर देगा, और ये अगर यहाँ पे नर्व भी हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इन क्लोज वेसिनिटी टू द ब्रेन, यहाँ पे पिट्यूटरी फोसा बेसिकली एथमाइड बोन के नीचे यहाँ पे बहुत क्लोजली मौजूद होता है, तो इस जगह पे अगर बेसल सेल कार्सिनोमा तो हम ज़रूरी उसको हटाना होता है। एक तरीका ये कि मैं फ्लैप बना लूँ और इसको मैं रोटेट करके यहाँ पे लगा लूँ, विच वुड बी अ मेजर सर्जरी। बेसिकली मैंने क्या करना है कि यहाँ पे इसको हमने एनेस्थीसिया दे दिया है, बाद में क्यूरेट एंड कॉटरी जिसको हम कहते हैं, या फल्ग्रेशन जो इलेक्ट्रिक लेजर आर्क है उससे हमने फल्ग्रेशन करनी है, लेजर आर्क से फल्ग्रेशन करनी है, या अरबियन या लेजर से उसको हमें वेपराइज करना है, और उसके बाद इसको हम क्यूरेट एंड कॉटरी, ये क्यूरेट होती है बेसिकली, इसे हमने स्क्रैच करेंगे और ये बेसिकली बेसल सेल कार्सिनोमा को हम मेक श्योर करेंगे कि हटा दें। अभी यहाँ पे एक मौजूद है, मैं लाइट लगा लें पहले, मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसा शेव एक्सरसाइज करूँगा कि थोड़ा सा हमारे पास मटीरियल बायोप्सी के लिए आ जाए, दो के हमने पहले एक दफ़ा किए हुए, लेकिन हम दोबारा से बायोप्सी करेंगे इस पेशेंट का, ताकि ये थोड़ा सा मटेरियल मेरे पास आ गया, दिस इज़ अनफ फॉर मी टू डू ए बायोप्सी। जो बायोप्सी मटेरियल होता है बेसिकली उससे ये हम इसका एनालिसिस कर लेंगे हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो ये अनफ है हमारे लिए ये मटेरियल। ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में इसको डाल दिया, ये हमने बंद कर दिया इसको ऐसे, ताकि हम इसको बायोप्सी करके इसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करें कि ये बेसिकली वाकई ही मतलब इसको बॉर्डर में मालूम कर लेंगे। अभी हमने क्या ये पूरे ट्यूमर को मैंने हटाना, पहले मैं इसको फल्ग्रेट करूँगा, इसमें इलेक्ट्रिक आर्क हो गया, आप अरबियन या लेजर से भी ये कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा इस प्रोसीजर को हटाने का विद फल्ग्रेशन। अभी ये स्ट्रिक्टली मेडिकल प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर मैं कॉस्मेटिक पर्पस के लिए नहीं करा, दिस इज नॉट अ कॉस्मेटिक थिंग, दिस इज अ मेडिकल थिंग, और इसको एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट मेजर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन को ही पता है कि ये ट्यूमर क्या चीज़ है और उसको हटाते कैसे हैं। तो ये आम ब्यूटिशियन का जो हमारे यहाँ पे सो कॉल्ड आजकल 99.9% जो डॉक्टर्स हैं सो कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट जिन्होंने अपने आप कहा हुआ है, ये दे वुड नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज और डू सच प्रोसीजर्स। ठीक है, अभी मैंने इसको बेसिकली सारा फल्ग्रेट कर दिया, अभी हम इसका क्यूरेट करेंगे। ठीक है, क्यूरेट से होगा ये कि ये चीज़ जो ट्यूमर है ये हम सारा इसको हटा देते हैं इसे, अदरवाइज अगर आप ये क्यूरेट करेंगे तो इससे ट्यूमर हटेगा नहीं, लेकिन इससे सारा ट्यूमर हम हटा देंगे। ये सारा जो आप देख रही हैं ये ट्यूमर हट रहा है इससे। एक शार्प पेन जो होता है और एक ब्लंट होता है, हम मेक श्योर करेंगे हम शार्प पेन से ही रखा है। इस इंस्ट्रूमेंट को क्यूरेट कहते हैं, क्यूरेट रिंग क्यूरेट कहते हैं, उससे ये सारा ट्यूमर जो है वो हम हटा रहे हैं। देख सकते हैं कि पूरा ट्यूमर मैंने हटा दिया। अभी एक दफ़ा दोबारा से मैं इसको फल्ग्रेट करूँगा, थोड़ा बहुत इसके एजेस को इस मशीन से जिसको हम आरबीएम या लेजर कहते हैं इसे इसके इन एजेस को ज़रा स्मूथ आउट करूँगा, ताकि ये हीट अप और बुरा ना लगे, तो कॉस्मेटिकली भी पेशेंट की नोज जो है वो ठीक लगे और हम ट्यूमर को हटा देंगे। ये इसके शार्प एजेस हैं, ये हम इस मशीन से आरबीएम या लेजर से ये इसके शार्प एजेस को मैं स्मूथ आउट करूँगा। अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद करते थे, फिर दोबारा आपको ये रेज है, हमने दोबारा इसको
उसी तरह से ग्रेट कर दिया है और एक दफा ब्रेक प्यूरेट से दोबारा से हमने इसको स्क्रैच कर दिया है। अभी ये और स्क्रैच नहीं हो रहा ऑब्वियसली। अभी इसके जो शार्प मार्जिन हैं जो बड़ा जब ये हील करेगा तो ये डिप्रेस्ड स्कार होगा, तो इसको स्मूथ आउट करने के लिए इसके एजेस के ऊपर मैं आरपीएम में एक लेजर मारा। अभी यहाँ पे इसके लीजन है जिसको हम कहते हैं एक्टिनिक केराटोसिस। अभी ये बजाय क्यूरेट करने के इस एक्टिनिक केराटोसिस को मैं किसी मेथड से जो हमें एक्टिनिक केराटोसिस है, जो ये मेरे ग्लव्स हैं, स्पेशल ग्लव्स हैं, ये टेक्सचर ग्लव्स हैं, जिससे हमें पता लगता है कि जो रफ एरिया है वो मुझे पता लगता है कि कौन सा एरिया रफ है, और वो एरिया एक्टिनिक केराटोसिस का है जो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, हमें उसको हटाना जरूरी होता है। नहीं आते और मेरी प्रैक्टिस 99% ऑलमोस्ट मेडिकल बेस्ड प्रैक्टिस है जिसमें हम सारे वो कंडीशंस क्रिएट करते हैं। अगर जिनको ना ट्रीट किया जाए तो वो पेशेंट की मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी पे इफेक्ट करता है। ये कंडीशन अगर ना ट्रीट कर देता है तो इट हैव कॉज मॉर्टेलिटी, एंड मॉर्टेलिटी से इंसान की जान खराब हो जा सकती है, और मॉर्बिडिटी वो कंडीशन होती है कि जो हम अगर ट्रीट ना करें तो उससे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा यहाँ पे पेन होगा आपको, बस तो हमने सारा सारा ख़त्म कर दिया, ठीक है। बाबा हाथ ही लगाए, हाथ ही लगाए।